नमस्कार मित्रों, आओ अपने विज्ञान नो एक बीजो प्रयोग जोई। मारा हाथ में ग्लास है, मेहमान आया, इन्हें चाय बनावा माटे दूध जोई। घर नी अंदर दूध न हो तो मैं एक बीजो ग्लास पानी नो लीधो। माताजी ने याद करू, हे माताजी, मेहमान माटे चाय बनावे छे, दूध बनी जाओ। 1 2 3 अकड़म बकड़म बू आवड़ा का ढाबड़ा। तो जैसे मेहमान माटे दूध बनी गयु। तो मेहमान माटे दूध बनी गयु और मेहमान ने चा पीवड़ी। दूध मांथे दूध न हो तो चा केम बने? तो आपण एक विज्ञान नो ज प्रयोग छे। मारा हाथ में पहला लेड नाइट्रेट नु द्रावण हतुं। लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट नु द्रावण हतुं अने बीजा ग्लास नी अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड नु द्रावण हतुं। तो लेड नाइट्रेट अने सोडियम हाइड्रोक्साइड मीठा नु द्रावण चाले। लेड नाइट्रेट अने सोडियम हाइड्रोक्साइड तो फिनोल भेगा था नहीं। हाँ लेड नाइट्रेट अने सोडियम हाइड्रोक्साइड भेगा था तो अवक्षेपण की प्रक्रिया करे। अवक्षेप बने अने अहींया प्रक्रिया लखेली है ते मुजब लेड हाइड्रोक्साइड ना अवक्षेप बने जे सफेद दूध जेवा होय छे। अने विद्यार्थीओने एम लागे के आपणे दूध बनी गयुं। हकीकत में दूध नथी पण नीचे अवक्षेप बन्या छे। नीचे अवक्षेप बन्या छे तो दही जेवा सफेद अवक्षेप हो जे अपने ग्लास नी अंदर हो तो दूध जेवू लगे। तो आ पण एक विज्ञान नो प्रयोग हतो। जय विद्यार्थी मित्रों, घरे करी शकाय एक मेजिक टाइप नो प्रयोग छे। नाना बाळके ज मने शीखवाड्युं छे। तमे जोई शको छो के अहींया बाकस छे। बाकस मांथी बे दोरा पसार करवामां आवे। ऊपर अत्यारे ब्लू छे अने नीचे रेड कलर से ऊपर ब्लू नीचे रेड। हवे अकड़म बकड़म बू आपड़ा का डाबड़ा। तमे जोजो ऊपर ब्लू है नीचे रेड है। हवे तमे जोई शकशो के ऊपर रेड थी गयु नीचे ब्लू थी गयु। हवे जुओ फरीथी ऊपर रेड है नीचे ब्लू है। हवे 1 2 3 ऊपर ब्लू थी गयु नीचे रेड थी गयु। बराबर। आओ तो एनु रहस्य समझी घरे तमे पण बनावी शको। अंदर चौकड़ी है, आ दौरो अहींथी नीचे जाए छे। आ दौरो आज लाइन में नथी जातो, लाइन बदली जाए छे, अहींथी लाइन बदली जाए छे। हवे तमे जोई शकशो के ऊपर ब्लू है। बराबर। तो धीमे धीमे आ जे छे ऊपर आ रेड आवतो जशे। अहींथी आ रेड ऊपर आवतो जशे। जो ऊपर रेड आवतो जाए छे। रेड हकीकत में नीचे है तो अहींथी एनी लाइन बदले छे। बराबर। आ रेड कलर नो जे दौरो है अहींथी लाइन बदली ऊपर आवतो जाए। धीमे धीमे आखो दौरो है ऊपर आई जशे। तो आ नाना बाळकोने गमे एवो प्रयोग है, जाते करी शकाय एवो प्रयोग है। जय हिंद। हवाना दबाणनो आ एक अन्य प्रयोग है। विद्यार्थीओ नाना होय त्यारे आ प्रयोग करवानी बहु मजा आवे। हवे मारा हाथ में गरणी है, ई गरणी नी अंदर आ डाळी नाखुं। हवे विद्यार्थीओने कहेवानुं के आ फूंक मारी अने आ डाळीने बहार काढवानुं छे। એટલે સામાન્ય રીતે વિદ્યાર્થીઓ આવશે, આવી અને આવી રીતે ફૂંક મારશે। બીજા વિદ્યાર્થીને બોલાવવાનું, એ આવીને ફૂંક મારશે। ત્રીજાને બોલાવવાનું, એક પહેલવાનને બોલાવવાનું, નંબરવાર બધા વિદ્યાર્થીને બોલાવશું અને ધીમે ધીમે બધા આવતા જશે અને વિદ્યાર્થીઓ હસતા જશે, કારણ કે ગમે એટલી ફૂંક મારશે આ નીકળવાનું નથી। બરાબર। હવે એ દળીને હું ફૂંક મારીને કેવી રીતે બહાર કાઢું છું જોઉં। અકડમ બકડમ બુ। તો ફરીથી तो हूँ नीचे थी भूक नहीं मरते, हूँ ऊपर थी भूक मरू छू। हजी एक वखत ऊपर थी फूंक मारवाथी गड़ी निकली जाए छे। कारण के अहींया उपरथी ज्यारे फूंक मारीए छीए त्यारे हवा अंदर दबाण करे छे, हवा नीचे जई शकती नथी अने साइडमांथी जाय छे, फोर्स लागे छे એટલે દડી બહાર નીકળે છે। જ્યારે નીચેથી આપણે ફૂંક મારીએ ત્યારે દડી ફરતી હવા સાઈડમાંથી નીકળી જાય છે એટલે એને ફોર્સ મળતો નથી। ઉપરથી મારી હિમ તો ફોર્સ મળે છે। वीडियो लाइक करो, तुम्हारा मित्रों ने शेयर करो और आओ वधु वीडियो જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ करो। थैंक यू।